किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, समय समय पर विरोध प्रदर्शन भी करते रहते हैं। ऐसे ही अब किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर सरकार पर हमला बोला है, जिसमें उन्होंने फिर एक बार बड़े आंदोलन की शुरुआत होने की बात कही है। साथ ही गौतम अडानी पर भी उन्होंने बयान दिया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने संगठन के जिला अध्यक्ष की तबीयत खराब होने पर उन्हें देखने हमीरपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने उनसे मिलकर उनका हालचाल जाना, जिसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि उनके जिलाध्यक्ष का ब्लड प्रेशर 200 हो गया था। कुछ वैसा ही हाल पूरे देश के किसानों का है, सबका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। राकेश टिकैत ने इस दौरान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गौतम अडानी की तुलना भी हर्षद मेहता से कर डाली। बताया जा रहा है कि हमीरपुर में भाकियू के जिलाध्यक्ष निरंजन सिंह राजपूत की तबीयत बीते कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही, जिनका हाल जानने के लिए राकेश टिकैत हमीरपुर गए थे। राकेश टिकैत का भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राकेश टिकैत ने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर एक के बाद एक कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ एजेंडों पर काम कर रही है। पहला एजेंडा किसान आंदोलन में सहयोग करने वाले सिख और हिंदू की लड़ाई कराना, दूसरा खाप पंचायत चलाने वालों के बीच झगड़े कराना, और तीसरा एजेंडा जातिगत किसान संगठन खड़े करना। राकेश टिकैत ने कहा कि MSP पर इससे बड़ा आंदोलन छिड़ेगा, तभी देश बचेगा। अपने बयान में राकेश टिकैत यहीं नहीं रुके, बल्कि दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर भी कहा कि ये दूसरा हर्षद मेहता बनने वाला है, सारे पैसे लेकर भाग जाएगा और देश को बर्बाद कर देगा। टिकैत ने बजट को लेकर कहा कि सरकार देश को बेचने का काम कर रही है, साथ ही किसानों को भी कमजोर कर रही है, इसलिए उम्मीद है कि सरकार बहुत हल्का बजट देगी। राकेश टिकैत ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर कहा कि उन्हें धार्मिक मामलों में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। जाहिर है कि हरियाणा के जींद में महापंचायत अभी आयोजित की गई थी, जिसमें संयुक्त मोर्चा किसान के आह्वान पर किसान महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि दिल्ली में 15 से 22 मार्च के बीच बड़ा प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन की सटीक तारीख पर फैसला 9 फरवरी को कुरुक्षेत्र में होने वाली बैठक में होगा, तभी पता चलेगा कि सरकार हमें दिल्ली में प्रदर्शन के लिए कोई जगह नहीं देने वाली। उन्होंने कहा कि ये भी पता चला है कि सरकार दिल्ली में प्रदर्शन होने के लिए कोई जगह नहीं देने वाली। अगर आप अपनी फसल बचाना चाहते हो तो अपने ट्रैक्टरों को तैयार रखो और कभी भी बुलावा आ सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।